A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 kilometer per hour. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai, okay, following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 kilometer per hour. Okay, so how far from Delhi would the express train meet, okay, the freight train? बहुत ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं. तो फोर ऑप्शंस आर गिवन टू यू, 480, 260. ओके, सो फॉर दिस विल फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. ओके, आप डायग्राम पे फोकस करो सबसे पहले. तो मैं डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. सो एक सिचुएशन तो है, इफ़ दिस इज़ दिल्ली, इफ़ दिस इज़ मुंबई. सो एक ट्रेन यहाँ से जा रही है दिल्ली टू मुंबई, ठीक है. ओके, दूसरी कंडीशन में भी ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, ठीक है. दिस इज डी दिल्ली एंड दिल्ली टू मुंबई. ओके, बट नाउ व्हाट इज़ गिवन टू अस, हमें क्या दिया है, हमें दिया है, अच्छा, एवरेज स्पीड इज़ ऑल्सो गिवन टू अस. ओके, द एवरेज स्पीड, ओके, जो पहली वाली ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड भी दिए, ठीक है. तो एवरेज स्पीड कितने दिए, 40 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड से कंफ्यूज मत होना, कभी कभी नॉर्मल स्पीड को एवरेज कहते हैं क्योंकि स्पीड वेरी करती है ना. ओके, तो ज़रूरी थोड़ा है ट्रेन एक ही स्पीड से चली होगी, स्पीड वेरी करती है तो वो एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, सपोज़ अब मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड तो है, सपोज़ अब मैं एक सिचुएशन लेता हूँ. सपोज़ यहाँ से सुबह छः बजे 600 आवर्स या 6 बजे यहाँ से ट्रेन निकली, ठीक है. तो वो 6 बजे निकली और फिर उसके ठीक 2 घंटे बाद यहाँ से फिर 8 बजे निकली, ठीक है. 800 आवर्स लिखता हूँ, इट विल बी एम भी लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. तो ये जो ट्रेन है पहली वाली, वो 8 बजे कहीं यहाँ पहुँच गई होगी लगभग, ठीक है, 8 बजे, 800 आवर्स, समझ रहे हो ना. और दूसरी वाली ट्रेन उस वक्त निकलेगी, ठीक है. ओके, डिस्टेंस इज सेम इन बोथ द केसेस. यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डी किलोमीटर है. यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है, पूरा डी किलोमीटर है, ठीक है. इस तरीके से हम ले सकते हैं. ओके, अब क्या हो रहा है, पहले वाले केस में आपको एवरेज स्पीड इज़ गिवन टू यू. ओके, फिर 2 घंटे बाद आपसे कहा जा रहा है कि ट्रेन निकल रही है, ओके, पैरेलल ट्रैक में, और उसकी एवरेज स्पीड भी आपको दी है. एंड द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज़ गिवन टू यू, 60 किलोमीटर पर आवर. ये ट्रेन थोड़ा स्पीड से भाग रही है दूसरे वाले केस में. तो वो कितने दूर, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन, ठीक है. तो पहली वाली तो ये फ्रेट ट्रेन है, एफ, ओके, ठीक है. और ये एक्सप्रेस ट्रेन है, तो इसको मैं ई लिख लेता हूँ यहाँ पर, ई, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है. तो अब कितने देर बाद मिलेगी या कितनी डिस्टेंस बाद, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, ओके. तो सपोज़ आपने सिचुएशन को समझना है, आई शो यू विद द ग्रीन कलर पेन, ठीक है. सपोज़ यहाँ पर वो सिचुएशन है, यहाँ पर दोनों ट्रेन आपस में मिल रही हैं, ठीक है. दिस इज़ द केस, ये भी ट्रेन यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, ये भी ट्रेन यहाँ से चली और यहाँ पहुँची, ठीक है. आप क्या, आप चीज़, आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, इन बोथ द केसेस, ठीक है. ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस है, साफ नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों के केसेस में आपने देखा होगा कि टाइम कंज्यूमिंग, ओके, टाइम कंज्यूमिंग यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ओके. यहाँ से जो टाइम आएगा, टी, मैं ले रहा हूँ टी, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट तक जो टाइम आएगा टी, वही एक्सप्रेस के लिए टी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक. इस चीज़ को समझ रहे हो, दैट टाइम विल गोइंग टू बी सेम, ओके. सो दिस इज द हिंट, ओके सो दिस इज द हिंट. अब आपको क्या निकालना है, हाउ फार, ओके. सो हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट इट, वेरी इजी. कैसे इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेना डायग्राम, क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं, ठीक है, दे शुड अंडरस्टैंड द डायग्राम. तो जो लॉजिक यहाँ से समझ में आता है मुझे, ओके, तो मैं कुछ नाम दे देता हूँ. लेट मी गिव सम नेम टू दिस पॉइंट्स, ओके, ब्लैक, लेट मी यूज़ ब्लैक पेन नाउ, ठीक है. तो ये मैं इसको देता हूँ, सपोज लेट मी गिव नेम जी, और इसको मैं देता हूँ एच, ठीक है. तो जो जी से एच, और ये तो डी हो गया, यहाँ पर मैं इसको एच ही लेता हूँ. सो डी से एच में जो फ्रेट ट्रेन का जो टाइम है, दैट इज़ इक्वल टू डी से एच जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, ओके, एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है,
ओके, तो ये सेम है। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंसेस सेम हैं बोथ द केसेस। डिस्टेंसेस के केस में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहली वाली ट्रेन है उसका टाइम कहीं ना कहीं 2 घंटे ज़्यादा है। ठीक है, 2 घंटे, क्योंकि वो सुबह 6 बजे चली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो सेम टाइम में मिलेंगे, ये तो आपको समझना है। तो अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। बच्चों के ऑलरेडी आंसर्स आ चुके हैं, 240, 240, 240, बच्चे कह रहे हैं 120, 120। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिस्टेंसिस डी पहले वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में अगर हम टाइम निकालें, फर्स्ट केस में अगर हम टाइम निकालें, तो एज यू ऑल नो, ठीक है, डिस्टेंस इज डी, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। सपोज टेक डिस्टेंस डी किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आई हैव टेकन डी किलोमीटर, एंड एवरेज और स्पीड कितना है? एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस केस में जो टाइम आएगा, ठीक है, इस केस में जो टाइम आएगा, दैट टाइम विल गोइंग टू, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इट विल गोइंग टू गिव यू डी अपॉन 40। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर विल कैंसिल और आर आ जाएगा, ठीक है, टाइम। और सेकेंड केस में डिस्टेंस कितनी है? सेम डिस्टेंस है, दे आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। स्पीड इस केस में ज़्यादा है, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड इज मोर इन दिस केस, स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो द टाइम, सिमिलरली टाइम विल बी हाउ मच? डी बाई 60 आर। अब कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हो, नाउ यू शुड नो द डिफरेंस। ओके, अब आपको मालूम होना चाहिए कि सपोज इफ दिस इज टाइम T1 एंड इफ दिस इज टाइम T2, तो यू शुड नो दैट टाइम T2 इज लेस देन टाइम T1। ठीक है, T1, अगर इफ आई डू T1 माइनस T2, सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, क्योंकि 2 घंटे बाद, ठीक है, अगर ये देखो, ये अगर सुबह 6 बजे यहाँ से ट्रेन निकल रही है और इस डी डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है, और आप ये सोच लो कि 10 बजे ट्रेन अगर यहाँ पहुँच रही है, तो दिस ट्रेन इज टेकिंग 4 आवर्स, और दूसरी ट्रेन 8 बजे निकल रही है और 10 बजे वहाँ पहुँच रही है, तो वो 2 घंटे ले रही है, तो कहीं ना कहीं 2 घंटों का डिफरेंस है। ठीक है, सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 आवर, सो दिस इज द हिंट। तो T1 कितना है? डी बाई 40 माइनस डी बाई 60 इज इक्वल टू T। ओके, अब यहाँ पर यू कैन डायरेक्टली पुट द ऑप्शंस एज वेल। आप सीधा ऑप्शंस रख के भी इसको आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी बेटर इफ यू पुट द ऑप्शंस। ठीक है, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, 60 और 40, व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम विल बी 120। ठीक है, सो 40 थ्री टाइम्स, सो दिस विल बी 3D। 62 टाइम्स, सो इट विल बी 2D इज इक्वल टू 2, सो डी विल बी इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर के बाद ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इट विल गोइंग टू कैच द फ्रेट ट्रेन। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल था। और जो ये डी डिस्टेंस में डी है, इसको आप कंप्लीट ना मानो, इसको आप यहीं तक मानो। ठीक है, यहीं तक हम लोग डी किलोमीटर मान लेते हैं, सपोज डी किलोमीटर, नॉट द फुल डिस्टेंस, ओनली अप टू हियर। ठीक है, जहाँ पर वो दोनों ट्रेन मीट कर रही हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको हिंट मालूम होना चाहिए कि टाइम का डिफरेंस इज गिवन टू यू 2 आवर्स। ठीक है।